और कोर्ट ने काफी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मुझे मेरा मानना है वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे के बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और 2 नवंबर की डेट है, राज्य अपना पक्ष रखे। मौलिक अधिकारों का हनन कोर्ट ने बताया, या बिल्कुल मौलिक अधिकारों का हनन बताया। हमने एफिडेविट फाइल किया और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ACS होम, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है, DM हाथरस से पूछताछ किया है। 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की, और 2 नवंबर को ADG लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम को आने के लिए कोर्ट में है। बाकी किसी का आने की आवश्यकता नहीं है, जो डिटेल्ड ऑर्डर कोई होगा तो आ जाएगा। सर आज पीड़ित परिवार का बयान क्या कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, अब दर्ज हुआ है नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी तो मैटर चुकी सब जुडिशियल से, अभी कुछ कह नहीं सकते। सर रात में अंतिम संस्कार को लेकर क्या बात कही गई कि जो अब वही मामला उसी को लेकर है, मामला सब जुडिशियल है, हमने अपना पक्ष रख लिया है। अभी ऐसा कोई हमारे पास रिकॉर्ड तो नहीं है ना, उनका कुछ एफिडेविट हमारे सामने, हमने मैटर चुकी न्यायालय के संज्ञान में।